Okay, so this is question number 50. Consider the situation shown in the figure 16E9. The wire, which has a mass of 4 gram, oscillates in its second harmonic and sets the air column in the tube into vibrations in its fundamental mode. Assuming that the speed of sound in air is 340 meter per second, find the tension in the wire. तो ये हमारा सेटअप है, ओके. तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि जो वायर है जिस वो अपना सेकेंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है. इट इज़ मूविंग, मतलब वाइब्रेटिंग इन सेकेंड हार्मोनिक. और इसकी वजह से जो एयर कॉलम है, एयर कॉलम वो अपना फंडामेंटल में वाइब्रेट कर रहा है, फंडामेंटल. तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बराबर होगा. तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टू टाइम्स फंडामेंटल, टू टाइम्स फंडामेंटल. टू टाइम्स फंडामेंटल क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग वेव बाई टू टाइम्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. और इसका फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द एयर कॉलम, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द एयर साउंड इन एयर बाई फोर टाइम्स, बाई फोर टाइम्स लेंथ ऑफ द एयर कॉलम. और ये दोनों इक्वल होना है, टू टू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. एंड वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग वेव बाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बाई फोर टाइम्स लेंथ ऑफ द एयर कॉलम. तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ द साउंड कितना आ जाएगा, स्ट्रिंग वेव कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एयर कॉलम इन टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बाई फोर टाइम्स लेंथ ऑफ एयर कॉलम. तो वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया हुआ है, 340 इन टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 40 सेंटीमीटर, दैट इज 0.4 मीटर बाई फोर टाइम्स, फोर टाइम्स लेंथ ऑफ द एयर, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम एक मीटर है शायद, लेट मी चेक, यस एक मीटर है. तो वन, तो इसको सॉल्व करने पे आ जा रहा है 0.1 इंटू 340, 34. यानी वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग वेव कितना आ गया, 34 मीटर पर सेकेंड. तो हम एक फार्मूला जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग वेव इज गिवन बाई टी बाई एम बाई एल, एल स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 34, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स टी बाई एम बाई एल इज इक्वल्स टू 34 स्क्वायर. 34 स्क्वायर वन वन फाइव सिक्स. सो टी बाई एम, एम कितना दिया हुआ, 4 ग्राम, यानी 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 बाई एल, लेंथ कितना दिया हुआ है 0.4 इज इक्वल टू 1156. तो यहाँ से टेंशन कितना हो गया, 1156 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 बाई 0.4 इज 1156 इंटू 10 और 10, 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 11.56. ओके, दिस इज 11.56 न्यूटन. ये हमारा टेंशन हो गया जो हमें पूछा गया था. तो आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर है 50 नंबर में 11.6 और हमारा आंसर आया 11.56. तो इसे राउंड ऑफ कर दीजिएगा तो 11.6 अप्रॉक्सीमेटली आ गया. आई होप कि आपको ये सोल्यूशन आसानी से समझ में आ गया होगा.